Hello everyone, welcome to our channel Dive to Learn. My name is Diksha Saraswat and hum discuss kar rahe hain NTA NET paper 2 home science and ye hamara important topic series ka part 4 hai aur aaj hum milk processing karne wale hain. So before we start the lesson, I want to tell you a good thing. That's good thing for you is now you can practice the PYQs of home science on our app, that is Dive to Learn, and the link to download it from Play Store is given below in description box. So you can download from link, and also you can join us on Telegram. The link of Telegram is also given in description box, so you can join us. Now we are going to start our lesson. सो आज हम करने वाले हैं मिल्क प्रोसेसिंग. तो मिल्क प्रोसेसिंग में आज हम सिर्फ मिल्क प्रोसेसिंग डिस्कस करेंगे. उसके साथ हम कोई भी मींस कोई भी मिल्क प्रोडक्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं. ओनली मिल्क प्रोसेसिंग कि कैसे रॉ मिल्क जाता है एंड देन वो पैकेजिंग तक उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं पूरे कंप्लीट मिल्क प्रोसेसिंग. सो लेट्स स्टार्ट मिल्क प्रोसेसिंग. मिल्क is a highly perishable food stuff, but the processing of milk allows the preservation of milk for days, weeks or months. So you all know that milk is a very hum isko zyada der tak store nahi kar sakte hain normal condition mein, ya to freezer mein rakhte hain hum log, ya fir usko boil karke, ya fir jo pack ho ke aata hai wo pasteurized hota hai. सो हमें मिल्क प्रोसेसिंग की नीड होती है बिकॉज ये हाईली पेरिशेबल है. द मिल्क प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वेरियस टेक्निक सच एज हीटिंग, फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन. फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन, कूलिंग, होमोजेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड पेस्चराइजेशन एक्सेट्रा. सो वाई वी नीड मिल्क प्रोसेसिंग? To ensure safety of milk from disease causing microorganisms, toxic substances and foreign flavors, fresh whole milk is to be processed before marketing. So हमें उसे microbial contamination से और toxic substances को remove करने के लिए and उसमें जो भी foreign अदर पार्टिकल्स फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं या फिर फॉरेन फ्लेवर्स आ गए हैं ड्यू टू सम कंटामिनेशन, उसे हम क्या करते हैं वहाँ से उसको रिमूव करते हैं. और उन वो सब चीज़ें मतलब उस टाइम पे जब वो मार्केटिंग होने के बाद वो जब कस्टमर तक पहुँचेगा तो वो सेफ रहे. सो इसलिए हम उसमें मिल्क प्रोसेसिंग करते हैं. The processing helps to produce milk that has an initial low bacterial count, good flavor and satisfactory storing qualities and desirable attributes. So milk processing होने के बाद क्या होता है उसमें उस milk में low bacterial count होता है. means हमको सबको पता है कि इसमें milk में जो भी हमारा bacterias होते हैं वो प्रिजर्वेशन करते हैं. लाइक हम पेस्चराइजेशन के बाद उस समय भी हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं बट क्या होता है वो थोड़ा कम हो जाते हैं और जो होते हैं वो लाइक इनएक्टिव हो जाते हैं सो दैट कि वो वहाँ पर ग्रोथ ना कर सकें. सो लो बैक्टीरियल काउंट, गुड फ्लेवर. गुड फ्लेवर का मीन्स है कि उसका जो अपना फ्लेवर है वो मेनटेन रहे वहाँ पे और कोई फॉरेन फ्लेवर हमारा ऐड नहीं हो रहा है. सो ये इंश्योर करता है ये मिल्क प्रोसेसिंग. और सेटिस्फैक्टरी स्टोरिंग क्वालिटीज भी होंगी बिकॉज जब वो उसमें हमने पास्चराइजेशन कर दिया माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना है एंड बाकी सब में हम उसे पैक करके तब मार्केटिंग करेंगे तो वो क्या होगा स्टोर रहेगा अच्छे से. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क. तो हम उसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन मिल्क प्रोसेसिंग. तो कौन कौन से हमारे स्टेप्स हम
यूज़ करते हैं जब हमारा ये मिल्क प्रोसेसिंग होता है पूरा प्रोसेस। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप है, वी हैव रॉ मिल्क, मिल्क रिसेप्शन, ग्रेडिंग, सैम्पलिंग, वेइंग, टेस्टिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास रॉ मिल्क आता है, मीन्स कोई भी डेयरी फार्म हुआ वहाँ से आ रहा है, या फिर जो भी हाउस होल्ड डेयरीज होती हैं वहाँ से आता है, या जहाँ पे भी मिल्क जो भी मीन्स कैटल्स हो वहाँ पे, वहाँ से हमारे पास जहाँ से भी आ रहा है वो टैंकर से, इन सब से हमारे पास क्या आता है, पहले रॉ मिल्क आता है। देन क्या होता है, जब हमारे पास वो मिल्क आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग, सैम्पलिंग, वेइंग एंड टेस्टिंग। उसके बाद हमारा ये सब होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्री हीट करते हैं। प्री हीट करते हैं हम, इस प्री हीटिंग में हम उसको मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं, इतना ही हम उसको हीट करते हैं। उसके बाद प्री फिल्ट्रेशन, प्री फिल्ट्रेशन में हमारा क्लैरिफिकेशन होता है, क्लैरिफिकेशन मतलब कि उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गए हों और भी कुछ अलग से अनडिजायरेबल चीज़, मतलब जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, तो उसके लिए हम प्री फिल्ट्रेशन करते हैं। देन कूलिंग एंड स्टोरेज, सो कूलिंग एंड स्टोरेज में यहाँ पे हमारा ये 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो 5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहता है। फिर हमारा जब ये कूलिंग हो जाता है, स्टोर कर देते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसके बाद हमारा होमोजेनाइजेशन होता है, देन पेस्चराइजेशन एंड फिर पैकेजिंग एंड फिर हमारा स्टोरेज होता है। सो मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। दिस इज आवर चार्ट, फ्लो चार्ट, जिससे कि आपको आसानी से ये हमारे जो मिल्क प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें वो हमारा सबसे पहले रॉ मिल्क आ जाता है, फिर ग्रेडिंग वगैरह के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा फिल्ट्रेशन, जिसे हम वहाँ पर प्री फिल्ट्रेशन कर रहे थे, तो वो हमारे ये फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन रिमूव्स सस्पेंडेड फॉरिन पार्टिकल्स बाय द स्ट्रेनिंग प्रोसेस। स्ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, स्ट्रेन करते हैं हम, अगर आपको नॉर्मल बताऊं, जैसे हम घर में जो हमारा स्ट्रेनर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए, लाइक मिल्क को और टी को फिल्टर करने के लिए, सो दैट जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, मीन्स जो हमारा चाय पत्ती है, वो हमारा स्ट्रेनर में रह जाता है एंड हमारा लिक्विड आ जाता है कप में। इसी तरह से होता है वहाँ पर भी, तो स्ट्रेनर्स यूज़ करते हैं, वाइल क्लेरिफिकेशन इज बाय सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन। हम स्ट्रेनिंग प्रोसेस से फिल्ट्रेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन करते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए। इसमें क्या होता है, फॉरिन पार्टिकल्स सच एज पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डर्ट एंड मैनी अदर अनडिजायरेबल मे गेट इन टू मिल्क ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग। टू रिमूव दिस मिल्क इज जनरली पास थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल क्लैरिफायर। ये सारे पार्टिकल्स, लाइक जब कोई भी मिल्किंग करता है तो हो सकता है वो उसी एनिमल एनिमल के बॉडी पर हो, कोई भी ऐसा इंसेक्ट हो या फिर कोई भी डर्ट वगैरह, तो वो हमारा मिल्क में आ सकता है, या फिर अगर हम जो हमारा मिल्कमैन है वो केयरलेस हैंडलिंग कर रहा है, उसके हैंड वॉश नहीं किए हुए उसने, और अगर डर्ट वगैरह उसके हाथों में है, या फिर उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर थोड़ा डर्टी प्लेस है अगर वो, तो वहाँ से भी हमारे चांसेस हैं कि यहाँ पर हमारा ये फॉरेन पार्टिकल्स मिल्क में आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लेरिफायर यूज़ करते हैं। द स्पीड ऑफ द क्लेरिफायर विल बी सच दैट देयर इज लिटिल सेपरेशन ऑफ क्रीम। तो हमें उस
जो क्लैरिफायर होता है हमारी उसकी स्पीड हम इतना मतलब मेंटेन करके रखते हैं सो दैट कि जो हमारा क्रीम है वो मिल्क से अलग ना हो, क्योंकि अगर उस टाइम पे मिल्क से क्रीम अलग हो जाएगा तो हमारा आगे की प्रोसेसिंग में थोड़ा मतलब लॉस भी हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट का, और फिर आगे की प्रोसेस में थोड़ा चेंज आ जाएगा। देन क्लैरिफिकेशन डज नॉट रिमूव ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क। तो ये हमारा सबको पता है, क्लैरिफिकेशन में हम लोग क्या जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और बैक्टीरिया तो बहुत ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको तो हम इससे थोड़ा मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको रिमूव करना। सो ये हमारा हो गया फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ फैट एंड SNF बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मीन्स कि जो हमारा फैट है उसको या तो हम मिल्क में ऐड करते हैं या फिर वहां से हम सेपरेट करते हैं फैट को मिल्क से। सो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा मिल्क है उसमें फैट को स्टैंडर्डाइज अमाउंट में हमें सेट करना है। द फैट कंटेंट ऑफ रॉ मिल्क डिपेंड्स ऑन द फीड एज एंड टाइप ऑफ लैक्टेटिंग एनिमल ऑल्सो वेरीज विद द टाइम ऑफ मिल्किंग। सो इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा कोई भी हमारा प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा रॉ मिल्क आ रहा है तो जो भी हमारा एनिमल है उसका फीड, उसका एज एंड वो टाइप ऑफ लैक्टेटिंग एनिमल मिल्क मीन्स कि वो हमारा काउ का मिल्क है या फिर बफेलो का मिल्क है या फिर गॉट का मिल्क है, तो इन सारे एनिमल्स अगर वो डिफरेंट एनिमल्स का होगा एंड अगर उसमें जो हमारा एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड भी उसे इफेक्ट करती है फैट कंटेंट को, और उसका फीड तो सबसे ज़्यादा मेन है उसे इफेक्ट करने वाला फैक्टर। सो एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ मिल्किंग। देयरफॉर द मिल्क पासिस फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप्स। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्रीम इज सेपरेटेड यूजिंग सेपरेशन मशीन एंड एग्जैक्ट पोर्शन ऑफ दिस क्रीम इज एडेड टू द स्किम्ड मिल्क सो दैट अ स्टैंडर्डाइज मिल्क इज प्रिपेयर्ड। तो इसमें क्या होता है, पहले हम क्रीम निकाल लेते हैं पूरा मिल्क से, उसे स्किम मिल्क बना देते हैं। देन जो हमारा वो स्किम मिल्क है उसमें क्या होता है, लाइक आपने सुना होगा टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, तो इन सब में अलग अलग स्किम मिल्क भी होता है, तो इन सब में अलग अलग अमाउंट के हिसाब से अलग अलग पोर्शन में अलग अलग प्रोपोर्शन में इसमें हम फैट ऐड करते हैं सो दैट कि जो उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वो मेंटेन रहे, और हम वहाँ पर जो है मिल्क के मेंशन भी कर सकते हैं ऑन द पैकेट। सो ये इजी रहता है आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये सिंपल प्रोसेस है याद करने में कि पहले मिल्क को सेपरेट कर देते हैं देन उसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अमाउंट में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव होमोजिनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टेबल इमल्शन ऑफ मिल्क फैट एंड रेंडरिंग द मिक्सचर होमोजिनस इज होमोजिनाइजेशन। सो इसमें क्या होगा, हमें मिल्क का एक स्टेबल इमल्शन बनाना है, रेंडरिंग द मिक्सचर होमोजिनस। सो इसमें क्या होगा, मिल्क का इमल्शन होगा स्टेबल, तो क्या होगा उसमें मिल्क हमारा मिल्क का जो लिक्विड पार्ट है एंड जो फैट है वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। अगर वो स्टेबल रहेगा तो क्या होगा, वो एक जैसा रहेगा, होमोजेनस मीन्स एक जैसा, तो हमारा जो लिक्विड है वो होमोजेनस होगा। इस प्रोसेस को ही हम होमोजिनाइजेशन बोलते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय पासिंग वार्म मिल्क और क्रीम थ्रू अ स्मॉल अपर्चर अंडर हाई प्रेशर एंड वेलोसिटी। तो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल उसमें अपर्चर होता है हमारे पास एंड उसमें हम मिल्क को पास करते हैं हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर होमोजिनाइजेशन।
हाई प्रेशर होमोजेनाइजर, लो प्रेशर रोटेटरी टाइप होमोजेनाइजर्स एंड सोनिक वाइब्रेटर्स आर यूज फॉर द दिस पर्पस। सो होमोजेनाइजेशन में हमारे ये सब हम यूज़ करते हैं। एंड द फैट ग्लोब्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू गैदर इन टू क्लम्प्स एंड राइज ड्यू टू देयर लोअर डेंसिटी देन स्किम मिल्क। तो क्या होता है, हमारा जो जो हमारा मिल्क फैट है, जो हमारा फैट है, तो फैट की क्या टेंडेंसी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमारा क्लम्प्स को फॉर्म कर लेता है, गैदर हो जाते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं, या फिर बॉईल भी नहीं करते हैं, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, लेयर आ जाती है पूरी क्रीम की। तो उससे बचने के लिए, मीन्स कि जो हमारा फैट है वो उस मिल्क से अलग ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, हम ये होमोजेनाइजेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में हमारे जो मिल्क में जो फैट है, उस फैट को क्या करते हैं हम, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइडेशन कर देते हैं उसका। तो उससे क्या होता है, वो जल्दी से अलग नहीं होता है। व्हेन मिल्क इज होमोजेनाइज्ड द एवरेज साइज ऑफ द ग्लोब्यूल विल बी अबाउट 2 माइक्रोमीटर। ओके, तो इतना छोटा हमारा ये पार्टिकल यानी कि ग्लोब्यूल का साइज होगा। सो नेक्स्ट वी हैव दिस पास्चराइजेशन। द एम ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज टू गेट रिड ऑफ एनी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये पास्चराइजेशन क्या है, पास्चराइजेशन में हमारा मेन जो हमारा एम है पास्चराइजेशन का, वो है कि माइक्रोबियल हमारा जो ग्रोथ है उसको हमें रोकना है, यानी कि चाहे हम उसे किल तो नहीं होता, इनएक्टिव करते हैं हम उसको। तो ये हमारा पास्चराइजेशन, इसमें क्या है, करेंट रिकमेंडेशन फॉर पास्चराइजेशन आर बेस्ड ऑन लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ये हमारे मेथड होते हैं, लाइक वी हैव LTLT, HTST, UHT। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस LTLT। LTLT मेथड ऑफ होल्डिंग एट 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। सो जो हमारा करंट रिकमेंडेशन है वो ज़्यादा कौन से मेथड पर फोकस करता है, दैट इज़ LTLT। वाई, बिकॉज इट इज़ यूज टू इलेमिनेट पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट मे बी प्रेजेंट सच एज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉक्सिला ब्रुनेटी। तो ये हमारे बहुत ही हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, तो इनको इनको इलेमिनेट करता है ये हमारा LTLT मेथड। सो ये इसका एक एडवांटेज है, या फिर ये इसीलिए ज़्यादा यूज में इसीलिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट वी हैव HTST। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पाश्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, मिल्क इज हीटेड टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। सो इसमें हमारा मिल्क 72 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर हाई होता है, और शॉर्ट टाइम के लिए यानी 15 सेकेंड्स के लिए। देन वी हैव, ये हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स कि ये पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है ताकि आप इसका टेम्परेचर और जो टाइम है वो अच्छे से याद कर लीजिए। इन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT पाश्चराइजेशन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दे आर हीटेड टू एटलीस्ट 135 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी रेंज है कि यानी कि 135 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट कर सकते हैं फॉर 1 और 2 सेकेंड्स। बट जो इसका हमारा स्टैंडर्ड टाइम एंड टेम्परेचर है, जो कि बहुत सी जगह पर मैंने देखा है, दैट इज 138 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 सेकेंड्स। तो आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसकी पूरी रेंज को ही मेंशन करना सही समझा। सो डिस्पाइट द रिस्क ऑफ मेलार्ड ब्राउनिंग
यूएसटी रिमेन्स मोस्ट पॉपुलर मेथड। तो इसमें हमारा मिल्क में मेलार्ड ब्राउनिंग का डर है कि मीन्स उसे इतने हाई टेम्परेचर पर हम जब हीट करेंगे तो उसमें ये रिएक्शन हो सकती है, फिर भी ये मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलरली ये यूज होता है। ए स्पेशलाइज मिल्क इज नॉट स्टराइल, इट मस्ट बी क्विकली कूल डाउन आफ्टर पेस्चराइजेशन टू प्रिवेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्वाइविंग बैक्टीरिया। सो पेस्चराइजेशन के बाद अगर मिल्क स्टराइल नहीं किया गया तो उसको क्विकली कूल डाउन करना है सो दैट वहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ ना हो। अब ये हमारा ये टेस्ट है जो कि हमारे मिल्क में पास्चराइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए यूज होता है, दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी इन मिल्क। एंड ये हमारा फॉस्फेटेज टेस्ट के द्वारा हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैकेजिंग, देन जब हमारा सारा प्रोसेस हो जाता है देन हम उसको पैक करते हैं। When the process is finished, the process of packaging takes place. Processed milk is then packed into carton, pouches, glass bottles, PET bottles, etc. The milk that has to preserve for a long duration need to be packed using aseptic techniques. So aseptic techniques. Slip of tongue, sorry. एसेप्टिक टेक्निक्स में हमारे क्या होता है, एसेप्टिक टेक्निक्स में हम पहले क्या करते हैं, पहले हमारा जो मिल्क जो हमारा पाउच है यानी कि जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है पहले हम उसको स्टराइल करते हैं एंड मिल्क को भी स्टराइल करते हैं, देन हम उसको पैक करते हैं। और आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स मिल्क इज रेडी टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारा प्रोसेस होने के बाद, पैक होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए रेडी हो जाता है। सो ये था हमारा मिल्क प्रोसेसिंग। ये मैंने बहुत ही जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो ही कवर किए हैं एंड इसे बहुत ही जो हमारा रिलेवेंट है वही कंटेंट मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में ऐड किया है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Keep sharing the video and like the video if you like this video. Like the video and subscribe our channel Dive to Learn. And मैंने आपको बताया है कि आप हमें Telegram पर join कर सकते हैं, link हमारा description box में दिया हुआ है। So stay tuned with us. Thank you so much.